हर बार हर कोई ना कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि सुमित और मल्लिका एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं तो भला वो रियल लाइफ पार्टनर क्यों नहीं बन जाते। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सुमित मल्लिका को कभी अपना हमसफर बनाने के लिए पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। वेल, अगर आप भी यही सोच रही हैं तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे हिंट्स देने वाले हैं जिसे ऑब्जर्व करने के बाद यकीनन आपको भी ये लगने लगेगा कि हाँ, बात में कहीं ना कहीं दम तो ज़रूर है। लेकिन मेक श्योर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स। तो चलिए अब आपका गौर डालते हैं सुमित मुदगलकर और मल्लिका सिंह की बॉन्डिंग पर। दरअसल सुमित ने शुरू से ही हर एक इंटरव्यू में मल्लिका सिंह को सपोर्ट करने की बात कही है। सुमित ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, मल्लिका के डिस्टेंस में हूँ या फिर उसके करीब हूँ, मेरा साथ मेरा सपोर्ट मल्लिका के पास हमेशा रहेगा। फिर चाहे मैं हूँ या ना हूँ, मैं चाहता हूँ मल्लिका इतनी बड़ी एक्ट्रेस बने कि उसकी ऊंचाई मेरे कद से दुगनी तिगनी हो जाए। इतना ही नहीं, सुमित ने अपने दिए इंटरव्यूज़ में इस बात का भी खुलासा करते हुए कहा था कि चाहे मल्लिका कैसी भी इंसान हो, पर मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिका पोर्ट्रे करती है अपना किरदार, लोगों से वो इंटरेक्ट करती है, वो काफ़ी ज़्यादा खास है। यानी कि मल्लिका की तारीफ करते हुए सुमित ने कई दफ़ा ये भी कहा है कि अगर आप किसी में राधा जैसी क्वालिटीज़ ढूंढना चाहें तो आप मल्लिका से मिल सकते हैं। मल्लिका में वो इनोसेंसी है जो कि राधा के किरदार को और भी ज़रा खूबसूरत बनाती है। इतना ही नहीं, मल्लिका की तारीफ में पुल बांधते हुए सुमित ने कहा, ये सबको माफ़ कर देती है, ये सब के लिए बहुत सोचती है, ये हमेशा खुद से पहले औरों का नाम लेती है, और यही वो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मल्लिका को बाकी की पर्सनैलिटी से एकदम ख़ास और डिफरेंट बनाती हैं। वेल, अब आखिर एक इतने अच्छे बॉन्ड को सुमित स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं अभी रिलेशनशिप का नाम देकर। हो सकता है इसीलिए सुमित ने अभी तक मल्लिका के साथ अपने रिलेशनशिप की बातें एक्सेप्ट ना की हो। लेकिन एक बात कहना ज़रूर चाहेंगे हम कि मल्लिका और सुमित के बीच वो कुछ अनदेखी अनजानी सी डोर है, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और काफ़ी ज़्यादा खास बनता है। अब आखिर वो खास स्पेशल डोर कब इनके रिश्ते में बदलेगी, ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।